आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऑफलाइन जॉब वर्सेस ऑनलाइन जॉब के बारे में, या थर्ड पार्टी में जो जॉब मिलती है वो कैसे मिलती है। तो थोड़ा सा उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन जॉब आपको जल्दी मिल जाएगी या ऑफलाइन अगर आप ट्राई करोगे तो जल्दी मिल जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से इस छोटी सी इंट्रो के बाद। तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा ऑनलाइन जॉब के बारे में। ऑनलाइन तो वही है, मैंने इस पर एक भी एक दो वीडियोस और ऑलरेडी बनाए हुए हैं पहले। तो ऑनलाइन बेसिकली क्या है कि जितने भी पोर्टल्स हैं जॉब्स के लिए, चाहे वो naukri.com हो, वर्क इंडिया हो, land.com हो, या और भी जितने पोर्टल हैं बेसिकली ऑनलाइन के, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके या एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर ये जॉब सीकर्स जो होते हैं वहाँ पर जॉब्स वगैरह आपको सर्च करने पर मिलती हैं। आप वहाँ पर अप्लाई करते हो एंड इसके बाद बेसिकली इनकी जो एल्गोरिथम होती है वो कुछ इस तरीके से काम करती है कि अगर आपने आज रिज्यूमे डाला है तो आपका रिज्यूमे वो टॉप पे रहेगा। एंड इसके बाद अगर आपने एक दिन, दो दिन, तीन दिन उसको नहीं देखा तो रिज्यूमे क्या होता है कि लोग लाखों करोड़ों लोग डेली अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो कम वहाँ पर क्या कंडीशन आ जाती है कि आपका रिज्यूमे वो नीचे हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप किसी भी साइट पर ऑनलाइन रजिस्टर हो रहे हो जॉब के लिए, तो सबसे पहले आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। वो चाहे आप अपनी सीवी को ओपन करो, एक डॉट हटाओ और एक डॉट लगा दो, यानी कि वो पूरा अपडेट माना जाता है कि बेसिकली ऐसी एल्गोरिथम बनी होती हैं। और यहाँ पे जो मेरा मानना है, जो मेरा ओपिनियन है, मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन जो naukri.com का पोर्टल है वो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे बहुत बेस्ट लगा, क्योंकि मैंने अभी तक उसी से ही जॉब, मैंने रिसेंटली 3 कंपनी चेंज करी हैं और मुझे उसी से ही जॉब मिलती है। इवन आज मैं विप्रो में वर्किंग हूँ तो मुझे naukri.com से ही जॉब मिली थी विप्रो में भी, और इसके पहले मैं HP पे और असेंचर के प्रोजेक्ट पे काम करता था, 2 कंपनीज ये मैंने इस पे भी काम करा है। तो मुझे naukri.com से ही मिली थी, वहीं से कॉल्स आती हैं। बेसिकली क्या है ना कि आपका जो रिज्यूमे हो थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा यूनिक होना चाहिए। वो जो CV वगैरह परचेस करते हैं जो थर्ड पार्टी के वेंडर्स होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं, तो वहाँ पे गए, उन्होंने फिल्टर लगाया, उन्हें टेक्निकल के 10 बंदे चाहिए, फिल्टर लगा के टेक्निकल के 10 बंदे निकाल लिए और वहाँ से वो उनको कॉल करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली कुछ इस तरीके से फंडा काम करता है ऑनलाइन का। बेसिकली इस पर कोई ज़्यादा बड़ा वो टॉपिक नहीं है वीडियो बनाने लगे, बट एक मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने एक दो बार कमेंट करा तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना ही देते हैं। जो कंपनी के करियर पेज बने होते हैं ना, हर किसी कंपनी का अपना एक करियर पेज होता है उनकी वेबसाइट पर, आप वहाँ पर भी जाके अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पर जो HR रिक्रूटर होते हैं वो आप कॉन्टैक्ट करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट और आपकी CV के अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ पे बात करूँ ऑफलाइन जॉब के बारे में, तो दोस्तों मैं बता दूँ कि ऑफलाइन जॉब के चांसेस अब बहुत कम हो गए हैं क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं। ये पहले कभी हुआ करता था कि आप डायरेक्ट कंपनी में जाके बात करो, अगर इंटरव्यू चल रहे हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू हो जाते हैं। तो अब बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे किसी का रेफरेंस चाहिए होता है, रेफरेंस इन द सेंस कि अगर आपके पास पहले कोई कंपनी से मेल आया है, कंपनी से कोई कॉल आया है, कंपनी के अंदर कोई बंदा है, कोई रिलेटिव है, कोई भी है, यार दोस्त फ्रेंड कोई भी है अगर आपका कंपनी के अंदर, तो CV पे उनका नाम डालना जरूरी होता, नहीं तो आपको गेट से एंट्री नहीं मिलती है। एंड अगर रही बात यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए, अगर वॉक इन इंटरव्यू उस कंपनी में चल रहे हैं तो आप जा सकते हो, नो डाउट, वो फिर रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वहाँ पे वॉक इन हो रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात आती है कि वॉक इन इंटरव्यू पता कैसे चलता है, तो वॉक इन इंटरव्यू इतनी जल्दी से पता नहीं चल पाता है कि कंपनी में वॉक इन इंटरव्यू कब हो रहे हैं कब नहीं हो रहे हैं। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि वो न्यूज़ पे आ जाता है या कहीं किसी वीडियो पे पब्लिश हो गया या कहीं गूगल पे आ गया, तो ऐसी चीज़ें नहीं। वॉक इन इंटरव्यू भी आपको ऑनलाइन ही पता चलता है, वो चाहे एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, उनकी जो करियर पेज होता है या एप्लीकेशन है जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स के। दोस्तों मैं यहीं पर बात करूँ अगर कि थर्ड पार्टी में जॉब कैसे मिलती है, तो थर्ड पार्टी में कोई ये फंडा नहीं होता है कि जॉब कैसे मिलती है। बंदे थर्ड पार्टी में जॉब करना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि वो एक डिफरेंट मैटर होता है, क्योंकि जितनी फैसिलिटीज कंपनी से मिलती हैं वो आपको थर्ड पार्टी से उतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं। इसलिए कोशिश करो कि कंपनी के रोल पे मिले, यानी कि कंपनी के ऑन रोल पे मिले या कंपनी सैलरी दे, थर्ड पार्टी पे ना जाओ तो ही ज़्यादा बेटर होता है। ये जो ऑनलाइन
पोर्टल होते हैं ना, यही थर्ड पार्टी के वेंडर होते हैं। वो क्या करते हैं, आपको कॉल करेंगे, आपका इंटरव्यू कराएंगे, और आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो उसके बाद आपका जो ऑन रोल होगा, जो आपकी सैलरी आएगी, जो EPF वगैरह होगा, वो सारा आपका थर्ड पार्टी से ही कटेगा जिसने आपको कॉल करा था। यहाँ पर मैं कंसल्टेंसी की बात नहीं कर रहा, कंसल्टेंसी अगर आपको कॉल करेगी तो हो सकता है कंपनी का ऑन रोल मिल जाए, लेकिन कई बार होता है कंसल्टेंसी फेक होती है या पैसे चार्ज करके आपको फंसा भी देती हैं। तो पैसे तो कभी देना ही मत जॉब्स के लिए। और जो फ्रेंचाइजी होते हैं वो 90% ऐसी होती हैं कि आपकी जॉब लगवाएंगी, वो अपने पेरोल पे देंगी। और उनका कुछ बेसिकली बॉन्ड होता है हर एक कंपनी का अलग अलग, कि किसी का होता है 12 महीने, किसी का होता है 6 महीने, किसी का होता है 18 महीने, मैक्स 18 होता है। 2 साल से ज़्यादा थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जॉब लगी किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में और आप थर्ड पार्टी के पेरोल पे हो, फिर इसके बाद उनका एक बॉन्ड होता है कि आपको 12 महीने 18 महीने काम करना पड़ेगा एज अ थर्ड पार्टी, फिर इसके बाद आपका कंपनी ऑन रोल मिलेगा। यहाँ पे वो वाला बाउंड नहीं है कि आप कंपनी छोड़ नहीं सकते, आप पे एग्रीमेंट पे साइन करवाया है, तो ऐसा वो वाला बाउंड यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे बाउंड वो होता है कि आप 18 महीने के बाद कंपनी के ऑन रोल पे करे जाओगे। तो हर एक कंपनी का अपना डिफरेंट होता है, वही सारी चीज़ें होती हैं। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत, एंड बी